उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन चर्चा होती है। विश्लेषकों का मानना है कि कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के कारण ही योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो खबरें सामने आ रही हैं उसने यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा दिया है। पहले कोर्ट परिसर में जज के सामने गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या हुई। अब खबर है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक ने अपनी जान ले ली है और आरोप पुलिस पर है। आरोप ये कि पुलिस ने लड़के को परेशान किया। रहीमाबाद पुलिस पर लड़के को फंसाने का आरोप है। इंडिया टुडे से जुड़े सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक का नाम आशीष कुमार है। वो 22 साल का था। आशीष लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। आशीष ने जाते जाते कागज में सब इंस्पेक्टर राजमणि पाल, सब इंस्पेक्टर लल्लन पाल, आरक्षी मोहित शर्मा और रहीमाबाद के बख्तौरीपुर में रहने वाले नंदू विश्वकर्मा को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। उसने रहीमाबाद पुलिस थाने को भ्रष्ट बताते हुए सीसीटीवी कैमरों को चेक करने की बात कही। ये भी कहा कि दोनों भाइयों को धोखे से थाने में बुलाया गया था और आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर साइन कराए गए थे। आशीष की मां सुशीला ने भी इन चारों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई किए जाने की मांग भी की। सुशीला ने बताया कि नंदू विश्वकर्मा और आशीष के बीच 2018 से एक मुकदमा चल रहा था। इस बीच नंदू विश्वकर्मा ने रहीमाबाद पुलिस थाने में आशीष के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई। थाने के SI ने मामले को रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपये की मांग की। मां के मुताबिक ये रुपए वो नहीं दे पाए, इस कारण पुलिस ने नंदू से साठगांठ की, उससे पैसे भी लिए। इसके बाद आशीष और उसके भाई पर एक और फर्जी मुकदमा दायर कर दिया। इसी से परेशान होकर आशीष ने 11 जून को अपनी जान ले ली। ये परिवार का आरोप है। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। लखनऊ वेस्ट के DCP राहुल राज ने बताया, थाना रहीमाबाद के ग्राम गहदो में आशीष कुमार नाम के एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा एक सुसाइड नोट भी दिया गया है, जिसमें उसके प्रतिपक्षी 3 लोगों के साथ रहीमाबाद थाने के 3 पुलिस कर्मियों का भी नाम है। इस संपूर्ण इस प्रक्रिया की जांच के लिए ACP मलिहाबाद को नामित किया गया है और सुसाइड नोट की भी जांच की जाएगी, लेकिन जांच सम्यक रूप से हो, निष्पक्ष हो, इसलिए 3 पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। ये जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे हमारी साथी प्रज्ञा। मेरा नाम दिव्यांशी है, देखते रहिए लल्लन टॉप UP। शुक्रिया।